हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनटोल्ड बाय अर्जुन। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आपके सामने हाजिर हूं एक नए शो के साथ जिसका नाम है डिस्कवर इंडिया। डिस्कवर इंडिया में आज के हमारे मेहमान हैं कांसीराम साहब के साथ ही बामसेफ के वरिष्ठ कार्यकर्ता मान्यवर सोबरन सिंह सर, जिनको लोग सिंह साहब के नाम से भी जानते हैं। अगली कड़ी में आज के हमारे मेहमान हैं कांसीराम साहब पर PhD, बहुजन मूवमेंट पर PhD करने वाले मान्यवर डॉक्टर MR रायपुरिया जी हमारे साथ हैं। आज हम बहुजन समाज के दो दिग्गजों के साथ खास बातचीत करेंगे। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है पे बैक टू सोसाइटी। बहुजन समाज में पे बैक टू सोसाइटी कैसे काम करता था, किस कब से पे बैक टू सोसाइटी चलन में आया, कैसे वो वर्क करता है, उसके क्या क्या फ़ायदे हुए। मुझे उम्मीद है ये आज का हमारा जो सेशन ना कि आपको ज्ञानवर्धक लगेगा बल्कि आपको प्रेरणा भी देगा। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, आप और हम मिलकर इसको यादगार बनाते हैं। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सर, धन्यवाद आपका। सर, मेरा पहला सवाल है, पे बैक टू सोसाइटी क्या है, इस आंदोलन की पृष्ठभूमि यानी इसके इतिहास के बारे में विस्तार से बताएं। सबसे पहले मैं आपके अनटोल्ड बाई अर्जुन चैनल का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि शुरुआती पहले एपिसोड में मुझे अवसर दिया जी। और जो आपने पूछा पे बैक टू सोसाइटी के बारे में, मैं बताना चाहूँगा, ये जो बहुजन आंदोलन है उसकी जान समझिए इसको। और इसके लिए हमें, क्योंकि ये मान्यवर कांसीराम साहब ने सब ईजाद किया था, और लेकिन हमें इसकी विस्तृत जानकारी के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा जी। बाबा साहब के दौर में जी, सन 1944 में जी, जब बाबा साहब वाइस राय लाडले गोथियो कमेटी में मेंबर थे, उस दौर में 44 में, जो मान्यवर कांसीराम साहब महाराष्ट्र से बहुजन आंदोलन से दुखित होकर उत्तर भारत में चले आए थे 73 के दौर में। तो उन्होंने जब उत्तर भारत में आके देखा तो महसूस किया कि जो महाराष्ट्र में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती थी, तो पूरे उत्तर भारत में आगरा में सबसे धूमधाम से जयंती मनाई जाती थी जी। तो मान्यवर कांसीराम साहब ने सोचा कि ये जो बहुजनों की जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट अगर कहीं से उभार ले सकता है तो वो आगरा से। तो सन 1979 से बाबा मान्यवर कांसीराम साहब ने आगरा आना जाना शुरू किया। आने जाने शुरू करने में बाबा साहब की तमाम जानकारियां साहब को हुई। क्यों, साहब वैज्ञानिक थे तो शोध वाली बात साहब के दिमाग में रहती थी। तो कांसीराम साहब ये सब बाबा साहब का अध्ययन करके महसूस किए कि बाबा साहब तो मतलब बहुत कुछ रास्ता बता गए हैं और समाज का बड़ा उद्धार हुआ है, लेकिन उद्धार के साथ बाबा साहब ने वो शोषण हुआ है, लेकिन उस शोषण के साथ बाबा साहब ने समाज का उद्धार भी बहुत किया है जी। तो कांसीराम साहब ने ये महसूस किया कि बाबा साहब के आंदोलन से ये दलित शोषित समाज का बहुत उद्धार हुआ है। तो अब उन उद्धार होने वालों की बहुत नौकरियां पाई हैं बाबा साहब के आंदोलन की वजह से, तो अब उद्धार छूट गया है और बहुत समाज छूट गया है, क्योंकि पढ़ लिख तब पाए हैं जो कम ही लोग पढ़े लिखे थे। हाँ, जो उनके पूर्वज थे उन्होंने मेहनत की और मेहनत करके उनको किस तरह पढ़ाया लिखाया, तो उद्धार तो हो गया लेकिन तमाम लोग पीछे छूट गए। तो जो लोग पीछे छूट गए तो मान्यवर कांसीराम साहब ने फिर कहा कि ये बात बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को आगरा में अपनी, पहले बाबा साहब ने प्रतिक्रिया जाहिर की थी कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो कांसीराम साहब ने इस पीड़ा को शिद्दत से महसूस किया कि बाबा साहब को तो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया जिनके लिए बाबा साहब ने काम किया था। तो अब जब मैं इस बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा हूँ तो बहुजन मूवमेंट में आर्थिक संसाधनों की बहुत जरूरत पड़ती है, और इन पढ़े लिखे लोगों पर आर्थिक संसाधन भी है, ट्रेजरी भी है, टैलेंट भी है और टाइम भी है, बुद्धि भी है, समय भी है और आर्थिक तरह से मजबूत भी है, तो इनको निश्चित ही पे बैक टू सोसाइटी करना चाहिए। तो बाबा साहब ने, वो मान्यवर कांसीराम साहब ने ये कंसेप्ट दिया कि पे बैक टू सोसाइटी आपको करना चाहिए। मतलब उनका जो सोच रहे थे, वो जो करना चाहते थे सोसाइटी के लिए, वो कांसीराम साहब ने समझा बाबा साहब के बाद। क्योंकि ऐसा था ना, बाबा साहब जिस स्थिति में थे तो वो उतना नहीं कर पाए जितना मतलब सोच रहे थे, अधूरा रह गया, लेकिन तमाम लोगों का उद्धार कर गए नौकरियों। हाँ। ये पूना पैक्ट और इस तरह की, तो और जो 35 में
एक्ट बना उसके सारे, तो कांसीराम साहब ने महसूस किया कि लोगों का उद्धार तो हो गया, लेकिन उद्धार होने के बाद बाबा साहब की पीड़ा रह गई कि इन लोगों ने समाज के लिए उतना नहीं किया जितना मैं मतलब मैंने किया, तो इनको भी अगर ये भी करते तो बहुत काम बढ़ जाता। तब बाबा मनवर कांसीराम साहब ने ये कंसेप्ट दिया, पे बैक टू सोसाइटी, आप जिस समाज से आए हैं उस समाज के लिए आपको कुछ करना चाहिए। तो जब कांसीराम साहब ने इस बात को गंभीरता से उठाया तो पढ़े लिखे लोगों के समझ में भी आया और उन्होंने किया भी। तो क्या मतलब बाबा साहब बोलते थे कि कर्मचारियों को 20वां हिस्सा? हाँ, जो आपने 20वें हिस्से की बात कही, तो वो ऐसा था कि बाबा साहब जो सेल्फ मूवमेंट का आंदोलन खड़ा कर रहे थे कि स्वाभिमान का, समता स्वाभिमान का, तो आपकी जो आर्थिक उन्नत हुई है तो कम से कम उस उन्नत में 20वां हिस्सा तो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खर्च कीजिए। इस चीज को कांसीराम साहब ने वैज्ञानिक के तौर पर कहा, 20वें हिस्से को 5% कहा, कम से कम 5% इस आंदोलन दीजिए, और लोगों ने दिया और उसके उसका नतीजा हुआ कि इस देश में एक भोजन आंदोलन। तो यही सवाल मेरा सर से, पे बैक टू सोसाइटी के इतिहास को आप कैसे समझते हैं सर? पहले सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने जी अपने इस पहले एपिसोड में आमंत्रित किया जी, और खास मुद्दे पर किया, वो खास मुद्दा पे बैक टू सोसाइटी। वैसे सिंह साहब ने काफी कुछ बता दिया है, फिर भी कुछ चीजें जो जी इम्पोर्टेंट हैं उसमें से उनको भी हम पूरक जानकारी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत ये करते हैं कि मान्यवर कांसीराम साहब ने नौकरी छोड़ने के बाद और एनिहिलेशन ऑफ द की जातियों में विभाजित समाज का सॉल्यूशन क्या है, तो जातियों में इस विभाजित भारतीय समाज में सॉल्यूशन क्या है, उसका हल क्या है, उस हल की खोज में वो सतत प्रयत्न करते रहे। फिर प्रयत्न करते रहे, उनको वो भाषण लग गया बाबा साहब का जो सिंह साहब जिक्र कर रहे थे, 18 मार्च 1956 का वो भाषण उन्होंने बार बार पढ़ा और देखा कि भाषण में था क्या खास, कि हमारे इस समाज में जो शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की हुई है उससे कुछ लोग उच्च पदों पर बैठे और कुछ लोग उच्च पदों पर बैठे तो वो जो है ना समाज का काम नहीं कर रहे। तब कहा कि धोखा दिया है उन लोगों ने, उन्हें चाहिए पड़े, था पढ़े लिखे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, उन्हें चाहिए था कि वे 20वां भाग समाज को शेष 20वां भाग से आशा है 5% समाज को खर्च करें, 95% अपने परिवार बीवी बच्चों में खर्च करें, क्योंकि जिसके कारण वो आए हैं। अब यहाँ हम एक बात को यहाँ नहीं पीछे को जाते हैं कि ये बाबा साहब ऐसा क्यों कह रहे थे। दरअसल में ऐसा इसलिए कह रहे थे कि 24 सितंबर 1932 को जो समझौता हुआ था और समझौते में जो सहूलियतें मिली थी वो 1935 अधिनियम में इंक्लूड की गई। और सहूलियतें क्या थी? सहूलियतें ये थी कि वो जो गोलमेज सम्मेलन में वकालत इस आधार पर कर रहे थे, भाषण बहुत इंपॉर्टेंट है उनका गोलमेज सम्मेलन का, वो कह रहे थे कि भारत में डिप्रेस क्लासेस की आबादी फ्रांस या इंग्लैंड के बराबर या भारत की कुल आबादी का 1/5 भाग है, इतना बड़ा समुदाय तो 1/5 भाग है, इतनी बड़ी आबादी है तो उसका प्रतिनिधित्व चाहिए, शासन प्रशासन के मामले में उनकी भागीदारी चाहिए, शासन प्रशासन की भागीदारी का सवाल खड़ा कर दिया जब बाबा साहब ने, तो शासन प्रशासन में भागीदारी की, मान लीजिए कि एक परिवार से एक कर्मचारी लग गया तो एक कर्मचारी जो शासन प्रशासन में पहुंचा तो केवल और केवल उसका अपना नहीं है योगदान, पूरे परिवार का योगदान है, पूरे परिवार का। तो अगर वो पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो उन्होंने डिमांड की, जो आज 335 आर्टिकल में है, 335 आर्टिकल में जो कर्मचारियों के लिए जो आरक्षण की जो बात कही गई है, कर्मचारी जो बनते हैं, तो वो उसमें बाद में जब भारतीय संविधान लिखा गया तो उसमें वही चीजें उसमें आई, तो ये कर्मचारियों के लिए, कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा वर्ग 1935 के अधिनियम से उन्हें सहूलियतें प्राप्त करके वो फिर
लगातार जो उसमें 1942 में आप जिक्र कर रहे थे, 1942 में लाल लेनर को था और उसके टाइम से जो बाहर जो विदेश भेजे गए थे, जो लोग भेजे गए थे 16 लोग एक बार भेजे गए, तो जो विदेश भेजे गए थे वो किसकी देन थी? वो थी बाबा साहब के, वो समाज के जो लोग थे उस आधार पर जो सहूलियत मिल रही थी विदेश पढ़ने के लिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, सर्विस के क्षेत्र में हो, तो समाज का एक बहुत बड़ा मानवर कांशीराम साहब के सामने वो बुद्धिजीवी वर्ग दिख रहा था, वो कर्मचारी अधिकारी वर्ग दिख रहा था, जो वो चाहते थे कि इन कर्मचारी अधिकारियों ने जो लाभ ले लिया है बाबा साहब 18 मार्च 1956 में कह गए हैं, तो क्यों ना इन कर्मचारियों के माध्यम से उनको इस बात का एहसास कराया जाए और समाज को तैयार किया जाए, क्या एहसास कराया जाए, इस बात का एहसास कराया जाए कि तुम समाज के ऋणी हो, क्योंकि कर्जदार हो तुम समाज के कर्जदार हो, क्योंकि जो सहूलियतें मिली हैं, जो भारत के 1/5 में भाग की उन्होंने जो बात रखी थी उसके कारण जो आरक्षण मिला 1/5 भाग, मतलब इंग्लैंड की या फ्रांस की आबादी का जिक्र किया था, उस टाइम 6 करोड़ आबादी थी, उस समय 6 करोड़ आबादी थी, तो 1/5। तो कहने का आशा ये है कि जो समाज के जो लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है या जो कर्मचारी अधिकारी बन गए हैं, तो ये जो लोग हैं जो असली समाज के जो ऋणी हैं, इनको इस बात का बोध कराया जाए कि तुम कर्जदार हो और उस कर्जे को चुकाने के लिए उन्होंने बाम सेव नामक एक संगठन की स्थापना की और फिर वो कहने लगे पे बैक टू सोसाइटी, समाज का मंचों से कहने लगे, इंडोर मीटिंग से कहने लगे, इंडोर जो मीटिंग कराई उसमें कहने लगे पे बैक टू सोसाइटी, समाज का कर्ज वापस करो, जो भी आपकी तनख्वाह आती है उसका 1/5 भाग अर्थात 5% जो है ना समाज को पे करें, क्योंकि अर्थ से भी कुछ संसाधन जुटाए जाते हैं और विचार के साथ साथ अर्थ भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मानवर साहब ऐसा अपने आंदोलन के लिए चाहते थे। जी जी बिल्कुल। तो अगला सवाल है सर, पे बैक टू सोसाइटी आंदोलन जो कांशीराम साहब के द्वारा भलीभूत और प्रसारित हुआ था, इस आंदोलन के सही सही मायने क्या है? मेरा आशय सिर्फ यही है कि ये जो पे बैक टू सोसाइटी का कंसेप्ट है, जो मानवर कांशीराम साहब एक देश व्यापी भोजन आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, और तो जिनके प्रति हम खड़ा करना चाहते, जो हमारे विरोधी थे वो बड़ा निश्चिंत थे। वो निश्चिंत इसलिए थे कि इनके पास तो भूखे नंगे लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, तो ये आंदोलन क्या खड़ा करेंगे? कोई आंदोलन बिना पैसे के नहीं खड़ा हो सकता है। तो मानवर साहब, हमने पहले ही बताया कि चूंकि वैज्ञानिक थे तो रास्ते खोजते थे, तो रास्ते खोजने में उन्होंने कहा कि मतलब बाबा साहब की पीड़ा भी थी और इन लोगों को फायदा हुआ, तो उन्होंने ये रास्ता खोजा था पे बैक टू सोसाइटी का, कि आप पे समाज का कर्ज है, आपके भाई बहन तो गाँव में उसी तरह रह गए, आज भी वही जीवन जी रहे हैं, आप ठाट से शहरों में रहने लगे, सुधार हो गया, तो लिहाजा। और जब कांशीराम साहब ने कहा कि आपको कुछ करना चाहिए, तो लोगों ने किया और उसके बदल दिखाई दे रहा है कि देश में एक बदलाव की लहर पैदा हुई। सर, पे बैक टू सोसाइटी आंदोलन के मायने आप कुछ नजर डालिए। पे बैक टू सोसाइटी मानवर कांशीराम की जो अवधारणा थी, इससे ये आंदोलन नहीं था, ये जो पे बैक टू सोसाइटी का उनको एक इस बात का एहसास कराना कि तुम कर्जदार हो, उस आधार पर आंदोलन खड़ा करना चाहिए जी। वो क्रम जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो रियलाइज कराना चाहिए, इन पढ़े लिखे लोगों के पास था क्या? महत्वपूर्ण बात थी ये बात रिसर्च की, जो मानवर कांशीराम साहब ने कही कि तुम्हारे पास 3 चीजें हैं, टाइम है तुम्हारे पास, 8 घंटे आप सेवा करते हैं शासन की, फिर आपके पास समय है, वो समय निकाल करके किसको दो? समाज को दो। तो टाइम है और आप पढ़े लिखे हैं तो बुद्धिमान भी हैं, जानते भी हैं, उचित अनुचित भी जानते हैं, डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो लोकतंत्र में लोगों को वो समाज को लड़कों को बताएंगे, तो टाइम है, टैलेंट भी है और ट्रेजरी है, आपको पूरी सैलरी मिलती है, और तो ऐसे भी नहीं है कि आप जो है ना कुछ कर ना सकें। तो ये 3 चीजें जो महत्वपूर्ण थी, टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी। दरअसल में ये मानवर कांशीराम साहब ने टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी का इस्तेमाल मनी मीडिया माफिया के काउंटर के लिए किया था।
मनी, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव होते थे तो उन्होंने महसूस किया कि वोट को खरीद लिया जाता है ना। तो मनी मीडिया जो कभी भी लोकतंत्र को फलीभूत नहीं होने देना चाहता, मनी मीडिया और माफिया, माफिया। और माफिया कौन? वो जो लूटपाट करने वाले लोग, जो बड़े बाहुबली लोग, तो उनको उनको कहते हैं हमारा ये संसाधन विहीन समाज कैसे उस आंदोलन को खड़ा करे। आंदोलन क्या था? सवाल ये था, मानवर कांशीराम का आंदोलन था भारतीय संविधान को अक्षरशः भारत में लागू करना, लागू भारतीय संविधान को लागू करना। वो कहा करते थे कि लोग सोचते हैं कि कांशीराम कब मरेगा, और मैं सोचता हूं कि कांशीराम उस दिन मर जाएगा जब भारत में लोकतंत्र खत्म, लोकतंत्र सॉरी लोकतंत्र क्रियान्वित हो जाएगा, यानी लोकतंत्र में संविधान क्रियान्वित हो जाएगा, पूरा का पूरा संविधान क्रियान्वित हो जाएगा, तब कांशीराम खत्म होगा। इससे पहले कांशीराम खत्म नहीं हो सकता। तो कांशीराम की वो विचारधारा जो आज भी देख रहे हैं, वो जो उस समय थी तो आज लोगों में, पिछड़ी जातियों में, अन्य जातियों में वो अधिकार बोध हो रहा है कि मेरे अधिकार इस भारतीय संविधान में 340 आर्टिकल के बारे में नहीं जानते थे पहले, लेकिन आज लोग 340 आर्टिकल के बारे में जानने लगे। अब इनको यहाँ दो बातें हम कहना चाहते हैं, एक अनुच्छेद 330 और 332 जिसमें सांसद और विधायकों को आरक्षण मिला है, हालांकि उस समय ये पूना पेट की देन है, लेकिन ये वर्ग भी ऋणी है कहीं। कौन? ये तो कर्मचारी तो है ही, लेकिन वे जो जनप्रतिनिधि, दो प्रकार के लोग ऋणी है, मानवर कर्मचारी और जो जनप्रतिनिधि, दो लोग ऋणी है। तो कर्मचारी, कर्मचारियों को तो मानवर कांशीराम साहब ने बहुत कराया, 20 लाख के लगभग कर्मचारी उस समय मानवर कांशीराम साहब। अम्बेडकरवादी, उसमें आप सहयोग करें, सहयोग करें। तो हाँ, पहले सर आपने जिक्र किया था वामसेप का पिछले वाले आंसर में, तो वामसेप और पेवेक्टु सोसाइटी का सीधा संबंध क्या है? हाँ, वामसेप और पेवेक्टु सोसाइटी का संबंध ये है जी कि जो कर्मचारी उन्होंने सबसे पहले उनकी मीटिंग हुई थी कुछ कर्मचारियों की 1971 में जी, कुछ चार पांच कर्मचारी पहली बार वो बैठे, फिर 1973 में बैठे, वो एक संगठन बनाया उन्होंने उसी उसमें, फिर जो असली मामला वामसेप बनाया था। हाँ, अभी वामसेप नहीं, वो कर्मचारियों का ही संगठन था संशोधित, पूरा सही वामसेप का जो SST वेलफेयर एसोसिएशन एसोसिएशन था, तो वो उसके बाद वामसेप वो है 1978 में बनी। तो ये वामसेप क्या है भाई? वामसेप ऑल सरकारी कर्मचारी। हाँ, पूरा फुल फॉर्म ये है, ऑल इंडियाज बैकवर्ड। अब बैकवर्ड में केवल एक नहीं है, बैकवर्ड के कोष्टक में मानवर कांशीराम लिखते हैं SC ST and OBC, ऑल इंडियाज बैकवर्ड। तो बैकवर्ड में केवल पिछड़ा वर्ग समझते हैं, केवल ओबीसी है बैकवर्ड, नहीं है, ऑल इंडियाज बैकवर्ड, यानी SC ST and OBC, मानवर कांशीराम साहब कहते हैं। तो ऑल इंडियाज बैकवर्ड, बैकवर्ड मींस ऑल इंडियाज बैकवर्ड, बैकवर्ड वामसेप एंड माइनॉरिटी, वामसेप अल्पसंख्यक, हाँ, एंड माइनॉरिटी, आप कम्युनिटीज, एम्प्लॉयज फेडरेशन, ओके, ये था इसका। तो ये मानवर कांशीराम साहब ने जैसे ही कर्मचारियों को यूनाइट किया और उन्हें कर्ज का बोध कराया, रियलाइज कराया, बोध कराने से बहुत ये बोध हो जाए, अपराधी को बोध हो जाए कि अपराध किया है, तो उसके पूरे के पूरे जो उसका जो मोरलिटी है, जो संबंध क्या है कि कर्मचारियों का जो संगठन बनाया, कर्मचारियों का संगठन बना तो वामसेप हो गई। जब मानवर कांशीराम ने उनको बोध कराया कि कर्जदार हो, तो तीनों चीजों का उन्होंने हालांकि पूरे नहीं जोड़े थे, लेकिन आज भी नहीं जोड़े पूरे, लेकिन जिनको बोध होता जा रहा है वो जुड़ते जा रहे हैं। तो वो जो है ना, टाइम टेलेंट ट्रेजरी सीधा कहाँ आया? पे बैक टू सोसाइटी के रूप में। तो जो वामसेप कर्मचारियों से
टाइम टैलेंट ट्रेजरी संबंध जोड़ती है पेबैक टू सोसाइटी। तो ये जो इथे तो मानवर कांशीराम साहब को इस बात का एहसास हो रहा था कि जो प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं ये भारतीय संविधान में जो प्रावधान है इनकी न तो वकालत कर पाते ना इनको समाज को दिलवा पाते, इसलिए अब जरूरी है कि मुझे अपनी राजनीतिक पार्टी खड़ी करनी होगी। इससे पहले समाज को जागरूक करना होगा, समाज को जागरूक करने के लिए पढ़े लिखे कर्मचारी जो हैं उनसे टाइम टैलेंट ट्रेजरी लेकर के उसका इस्तेमाल करना होगा, और तब जागरूक समाज के द्वारा जैसे कि देखो किस तरह से उनका क्रम संस्था पहले बाम से बनाई फिर उसके बाद DS4 बनाई, यानी DS4 के बाद फिर क्या पार्टी बनाई, SC ST OBC माइनॉरिटी का संगठन बनाया था वाम सेफ। तो बहुजन मूवमेंट में कौन से वर्ग के जो कर्मचारी थे जिनका सहयोग रहा है मूवमेंट में, क्या वो क्लास वन थे, टीचर थे, या फिर इसमें मैं बताना चाहूंगा। जी जी, ऐसा था कि कम लोग जानते हैं और मैं कई दफे इस बात को कह भी चुका हूँ, जब मानवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बना ली तो तमाम लोग हास्य में कहा करते थे, क्योंकि हम लोग मानवर कांशीराम साहब को साहब कहा करते थे जी। तो जो आपने पूछा प्रश्न कि कौन लोग वो थे, तो वो लोग थे क्लास 3 ग्रुप के एम्प्लाई ज्यादातर जी, तो जिन्हें लोग आमतौर पर बाबू कहते हैं। तो मतलब ये मान लिया जाए कि जितना छोटे कर्मचारियों ने सहयोग किया है मूवमेंट को उतना बड़े अधिकारी कर्मचारी नहीं उसमें शामिल रह पाए स्टार्टिंग। आपकी बात बिल्कुल सच है, जितना छोटे कर्मचारी सहयोग दिया है उतना बड़े अधिकारी नहीं दे पाए। जो बात छूट जाएगी फिर वो जी, दरअसल में जब ये बात कि यहाँ दो चीजें सामने आती हैं जी, कि कर्मचारी जो कुछ छोटे जैसे पदों के थे वो तो कर ही रहे थे, उनमें जो बड़े पदाधिकारी थे अधिकारी थे जो जो शासन प्रशासन के उच्च पदों पर बैठे थे, हालांकि मध्य प्रदेश में भी ऐसा कुछ लोग मिलते हैं कि साहब उनसे कॉन्टेक्ट करते थे, उन्हें इस बात का बोध कराते थे, लेकिन उतनी संख्या में वो नहीं जोड़ पाते थे क्योंकि उनमें अपने आप पद का एक वो रहता था। तो अब मानवर कांशीराम साहब ने तो किया था अपने मूवमेंट के लिए, लेकिन हम आज देख रहे हैं कई सामाजिक संगठन बना लेते हैं, कई पॉलिटिकल संगठन बना करके वो कहते हैं कि वो 20वां भाग हाँ हमें दे दो। ये आज की स्थिति में जी बहुत ज्यादा क्या है कि वो जो नकल मानवर कांशीराम साहब की थी, आपने एक संगठन बना लिया वो कही 20वां भाग मुझे दे दो, एक पॉलिटिकल संगठन आया कि मुझे 20वां भाग दे दो। अब यहाँ हमारे जो लोग हैं कर्मचारी या अधिकारी जो भी हैं या जिन्हें पे बैक टू सोसाइटी में कुछ देना है तो वो जो है ना कंफ्यूज रहती है, मिसगाइड हो जाते हैं। यहाँ हम एक बात याद रखें, उन सब लोगों को दर्शकों को या श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि वो याद रखें कि टॉलस्टॉय कहता है, क्या कहता है टॉलस्टॉय कहता है कि द डिस्टेंस यू हैव गॉन, जो दूरी आपके द्वारा चली गई है, इज लेस इंपॉर्टेंट देन द डायरेक्शन इन विच यू आर गोइंग टुडे। यानी कि आप वर्तमान में कहाँ चल रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपने कितनी दूरी तय की, महत्वपूर्ण यह है कि वर्तमान में आप चल किस दिशा में रहे, आपका डायरेक्शन कहाँ है, डायरेक्शन कहाँ है। अब डायरेक्शन मानवर कांशीराम साहब के मूवमेंट की तरफ नहीं है, तो भी कर्मचारी गलत डायरेक्शन डाइवर्ट हो रहे हैं। डॉक्टर साहब बता रहे थे बाम से, तो मानवर कांशीराम साहब ये कहते जब ये पे बैक टू सोसाइटी का एहसास करा दिया लोगों को, तो साहब को मतलब लोग जिन्होंने नैतिक जिम्मेदारी अपनी समझी, उन्होंने साहब ने कहा था चंडीगढ़ में कि बामसेफ को कभी मैं रजिस्टर नहीं कराऊंगा, मॉरल बेस पे चलाऊंगा। तो इसी तरह मॉरल बेस पे बैक टू सोसाइटी से पैसा जब लोग देने लगे तो जो साहब के साथी थे, बल्कि महाराष्ट्र तक आए थे जो साहब के साथ इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए, उन्होंने कहा कि कांशीराम साहब ने तो ये बड़ा अच्छा अलादीन, वो खुद भी कहते थे कि मेरे पास तो अलादीन का चिराग है, जब उसे रगड़ता हूँ पैसा निकाल लेता हूँ, अपना आंदोलन आगे बढ़ा देता हूँ।
तो लोगों ने सोचा, जिनके मन में दुर्भावना आ गई थी कि यार ये भामसिप इनसे हम छीन लें, तो तब लोगों ने भामसिप रजिस्टर कराई। और जब रजिस्टर करा ली, फिर कांसीराम साहब से कहा कि भामसिप अब रजिस्टर्ड हो गई, आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मतलब उन्होंने छीनने की कोशिश की और छीनने की और छीनी ली एक तरह से। तो आज वो क्या कर रहे हैं, छीनने के बाद 40-45 साल हो गए देश में, 40-45 उनके प्रोग्राम भी हो चुके हैं, खूब पैसा कमाते हैं। अब खुद भी बोलते हैं कि हमारा करोड़ों का बजट है, लेकिन जमीन पे कुछ समाज के लिए बदलाव दिखाई दे रहा है उस करोड़ों के बजट से? कई साल हो गए। हाँ, अब बता रहा हूँ, 40-50 साल खुद अपनी छाती ठोक के कहते हैं कि मैं 50 साल से काम कर रहा हूँ, 19 साल से चला रहा हूँ, से भले ही ना चला रहे हो तो, लेकिन लोगों को सोचना चाहिए कि हम कहाँ पैसा दे रहे हैं। समाज का कोई भला नहीं हो रहा, हाँ जो लोग कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। सांसद से ये जो हम कह रहे थे कि ये जो जब ये इस भाग से रजिस्टर्ड करा ली गई, उसके बाद मध्य प्रदेश में खासकर जो अधिकतम जो है ना अधिक संख्या में जुड़े थे, जो मानवर कांसीराम साहब ने पहला चुनाव लड़ा उस समय, जो छत्तीसगढ़ भी शामिल था, जांजगीर से चुनाव लड़ा पहला जी, तो उस समय यहाँ भामसिप का संगठन जो था, जिसे मध्य प्रदेश को कांसीराम मिशन की लेबोरेटरी कहते हैं, मध्य प्रदेश को, क्योंकि यहाँ एजी ऑफिस से जो अधिकारी कर्मचारी थे वो मानवर कांसीराम साहब के सतत संपर्क में रहा करते थे। और जो असली जो मूवमेंट है, उत्तर प्रदेश पॉलिटिकल पावर गेन करने की प्रयोगशाला हो सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश मिशनरी कांसीराम साहब की मिशन की प्रयोगशाला है। यहाँ मिशन की जो लोगों में स्पिरिट थे, उनके नाम नहीं लेना चाहते, भले ही यहाँ तितर बितर हो गए हों, कुछ लोग थे उस समय, लेकिन यहाँ वो अन्य लोगों में उनके विचार पाए जाते हैं। तो मानवर कांसीराम साहब से लोग बोले कि अब तो भामसिप, उन्होंने कहा कि भामसिप रजिस्टर्ड हो गई, तो उन्होंने कहा साहब हम कहाँ जाएंगे, भामसिप रजिस्टर्ड हो गई हो, लेकिन हम तो फिर ठीक है। भामसिप साहब ने कहा था नहीं भामसिप अब नहीं है इस तरह, तो उन्होंने कहा हम सहयोग करेंगे, भामसिप साहब खत्म मत करिए। तो उन्होंने ये कहा, बताया कुछ लोग, उन्हें जो वरिष्ठ हमारे बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की डिमांड पर उन्होंने ये कहा कि जो मुझे सपोर्ट करेगा वो शैडो बाम से। और वो शैडो बाम से है वैचार, जो टाइम टू ट्रेजरी से हर प्रकार से सहयोग करती है सोसाइटी। आज तो सर पे बैक टू सोसाइटी की अवधारणा कितनी सफल हुई, इससे बहुजन समाज में क्या लाभ मिला, क्या इसमें समाज बाकी बदलाव हुए? मनमोहन कांसीराम साहब ने जैसे जन्म दिया था पूरी तरह सफल है, और जो देश में बदलाव दिखाई दे रहे हैं इसी का नतीजा है। और हालांकि मतलब हमने जैसे अभी आपको बताया ना कि लोगों ने सोचा कि ये भामसिप से आया सब कांसीराम साहब दिया, तो कांसीराम साहब खुद ही कहते थे कि अलादीन का चिराग मुझे मिल गया है। उसमें सोचता था कि कोई आंदोलन पैसे के बल पे खड़ा किया जाता है, और जब इनके पास पैसे ही नहीं, भूखे रंगे लोगों के पास, कांसीराम साहब ने बाबा साहब की थ्योरी से उसको निकाल दिया हल करके कि इस समाज को फायदा हुआ है, और बाबा साहब दुखित थे कि उन्होंने धोखा दिया है, और उस समाज को एहसास कराया, वो समाज उठ खड़ा हुआ, तो पूरी तरह फायदा हुआ है। तमाम लोग कहते हैं, हम लंबे अरसे तक साहब से जुड़े रहे जी, तो तमाम लोग कहते हैं कि सिंह साहब आपको क्या मिला, तो मैं बताऊं, ये लड़ाई स्वाभिमान समता स्वाभिमान की थी, हमको स्वाभिमान मिला। मतलब 50 साल पहले जो स्वाभिमान हमें नहीं था वो स्वाभिमान मिला है, तो ये लड़ाई स्वाभिमान की थी। तो हर आदमी को धन दौलत नहीं मिलती है, और मैं समझता हूँ स्वाभिमान कहीं धन दौलत से बड़ा है। हमारा इस मुल्क में स्वाभिमान छीना गया है, हमें स्वाभिमान से मारा गया है, ये दृश्य देखा गया है। तो इस आंदोलन से, पे बैक टू सोसाइटी के आंदोलन से, ये जो देश में बहुजन आंदोलन खड़ा किया हुआ है, उससे लोगों में स्वाभिमान जागा है और निरंतर जागता रह रहा है। और ये जो कांसीराम साहब ने पे बैक टू सोसाइटी कंसेप्ट दिया है, वो एक ऐसी गोली दाग दी है उन्होंने कि भले ही अब कांसीराम साहब हमारे बीच में नहीं है, वो लक्ष्य भेद के रहेगी। कांसीराम साहब अपने आप अपने समय में कहते थे, अब इसे मैं रोकना चाहूं तो मेरे बस का भी नहीं है। तो लोग कहते हैं कि ये इसकी धार कुंद हो गई है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये लक्ष्य भेद के रहेगी। थोड़ा और हो,
आप कैसे देखते हैं? कांशीराम साहब इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। उसके लिए समता मूलक समाज ये लक्ष्य, उसके लिए छोटे छोटे और लक्ष्य सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से समता मूलक समाज हुआ। आजकल लोग कहते हैं, कई हमने बुद्धिजीवियों को सुना है कि सामाजिक न्याय चाहिए, सामाजिक न्याय। तो मानवर साहब इस बिंदु पर क्या कहते हैं? मानवर साहब का कंसेप्ट ये है कि सामाजिक न्याय वह गांधीवादी अवधारणा है जो लाठी टेक कर झुकी कमर के साथ चलती है, मतलब लाठी के सहारे चलती है, झुकी कमर लाठी के सहारे चलती है। जे साहब कहा करते थे सामाजिक न्याय, तो उनका नहीं सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय नहीं, पहले मुझे सामाजिक परिवर्तन चाहिए। विभिन्न जातियों में बटा हुआ समाज वो सीधे कैसे आए, नीचे से ऊपर, तो वो सामाजिक परिवर्तन। अब जो लोग सामाजिक परिवर्तन की बात नहीं करते, मानवर कांशीराम का मेन गोल था सामाजिक परिवर्तन पहले, तब सामाजिक न्याय। सामाजिक परिवर्तन क्रम होता है, साइंस में क्रम से टेस्ट लगाओ तो लेबोरेटरी में तो आपको परिणाम मिल जाएगा, और इधर उधर लगा दिया तो फिर नहीं मिलेगा। तो ये साइंटिफिक दृष्टिकोण मानवर कांशीराम साहब का था कि सामाजिक परिवर्तन। और एक उदाहरण देते साथ में साहब कि लोग कहते हैं सामाजिक न्याय के माध्यम से कि भाई कपड़ा फटा है तो उसमें आप थिंगड़ा सिल लो, कपड़ा फटा है ये सामाजिक न्याय हो गया, सामाजिक न्याय हो गया। और नए कपड़ा कांशीराम कहता है कि कपड़ा फटा है उतार फेंको नया पहनो। तो हम सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, नए कपड़े को पहनना चाहते हैं, पुरानी सड़ी गली व्यवस्था को नहीं चाहते, समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। इस समता मूलक समाज के अहम गोल को प्राप्त करने के लिए पे बैक टू सोसाइटी का इस्तेमाल हो रहा था, पवित्र लक्ष्य था, इसलिए वो उन्होंने उसको आधार बना करके संसाधन विहीन समाज को जागरूक करके और बामसेब से डीएसपोर से और एक ऐसा राजनीतिक संगठन खड़ा कर दिया कि वो सत्ताएं, उस समय तो 90 के दशक में सत्ताएं गिरने लगी, गठबंधन होने लगे। गठबंधन का कंसेप्ट कहां से आया? गठबंधन वो हो रहे आज तक चल रहे हैं, मतलब बिना गठबंधन के। शोध प्रबंध में लिखा है कि सबसे बड़ी अगर देन है मानवर कांशीराम साहब की लोकतंत्र में तो वो है कि राजनीतिक स्थायी सरकारें बंद, मजबूर सरकारें बनने लगी, गठबंधन होने लगे। तो इससे मजबूर सरकारें बनेंगी तो पब्लिक को अवसर मिलेगा अपनी बात कहने का। तो सर, चूंकि आप कांशीराम साहब के साथ लंबे अरसे के से साथ रहे, बामसेब से जुड़े रहे, बामसेब के आंदोलन के साथ कदम से कदम मिला के चलते रहे, पे बैक टू सोसाइटी में आपका क्या योगदान था उस समय से? हाँ, मतलब थोड़ा डिटेल्स में बताइए कैसे जुड़े आप मूवमेंट्स में। हाँ, बिल्कुल था। क्या योगदान थे आपके, आपके साथ कितने और लोग थे? ऐसा था कि पे बैक पढ़ने लिखने का हमें शौक था, तो पढ़ते लिखते अखबार पढ़ते पढ़ते हम जुड़ गए इस आंदोलन से। और मेरी मुलाकात बड़े ऐतिहासिक दिन मानवर कांशीराम साहब से और बहन जी से हुई, 14 अक्टूबर 1981 को थर्ड नेशनल कन्वेंशन पहली मुलाकात हुई। उससे पहले मैं पढ़ समझ रहा था इस आंदोलन को, तो जब मुलाकात हुई तो बड़ा अच्छा लगा चंडीगढ़ में। और आखिरी मुलाकात मेरी कांशीराम साहब से वो परेड ग्राउंड था, उसका नाम तत्कालीन नाम अम्बेडकर ग्राउंड रख छोड़ा था, वहां पर हुई थी। और आखिरी मुलाकात भी अम्बेडकर मैदान में ही हुई, लखनऊ के अम्बेडकर मैदान में 25 अगस्त को साहब अंतिम भाषण है लखनऊ के मैदान में आपका, उसके बाद साहब बीमार पड़ गए, कोई भाषण नहीं हुआ, तो उस दिन हुई थी। तो करीब 22 साल मेरा सानिध्य रहा। और जहां तक आपने पूछा आपका पे बैक टू सोसाइटी में क्या योगदान रहा, तो मेरा मतलब मेरे जैसे लोग, मेरे ही नहीं, मेरे जैसे लाखों लोगों का योगदान, लाखों क्या करोड़ों लोगों का योगदान है, और तभी यह आंदोलन खड़ा हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया ना कि जब सफलता मिली तो आप भी महसूस कर रहे हैं कि मतलब जिनका योगदान नहीं था वो ले उड़े। हालांकि ऐसा नहीं है, उन्होंने गलत किया, उन्होंने भी मतलब अपनी व्यथा जताई कि हम मतलब करने की हैसियत नहीं थे, दूसरे की सरकारें थी, तो अब हमें फ्री हैंड मिला तो हम कर रहे हैं। तो मेरा सतत योगदान रहा। और एक योगदान मैं बड़ा महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि
इस बहुजन आंदोलन में ये बड़ा आरोप लगने लगा, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया पैसे पैसे, तो उस टाइम ये आरोप लगने लगा था 2000 के शुरुआत में, इस शताब्दी की शुरुआत में, कि ये बहन जी तो बर्थडे के टाइम पे पैसा मांगती हैं। तो बहन जी ने उस टाइम ये किया था कि आप हमें पैसा देंगे, जो एम्प्लॉई हमें पैसा देगा वो अपना पैसे के साथ एफिडेविट भी देगा कि हम मतलब अपने स्वेच्छा से इतना पैसा दे रहे हैं। तो उस दौर में मैंने 5000 रुपए बहन जी की जन्म कौन से ईयर में, वो इस ईयर तो मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, मतलब 2001 या 2 रहा होगा। अच्छा अच्छा, वो ज्यादातर लोगों को मालूम होगा, उस दफे एक ही दफे लगा है, एफिडेविट से देना पड़ा है। 24 साल पहले समथिंग, हाँ 24 साल पहले, हाँ मतलब शताब्दी शुरू हुई थी उसी ईयर की बात है, 1-2 की, मैं इटावा में था, अब तो आगरा आ गया, तो इसलिए मुझे कुछ धुंधली याद है। अब तो एफिडेविट से मैंने 5000 रुपए दिया था, और आपको जान के ताज्जुब होगा उस टाइम मेरी सैलरी थी 9500 रुपए। तो सैलरी अच्छा, में से आधे से ज्यादा दे दिया। हाँ, अब वो दिया कैसे कि जैसे साहब ने कहा था 5% बताते रहिए, तो हम 5% इकट्ठा करते रहते थे, एकदम 5000 दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ। तो वो 5% की एक आदत सी बन गई थी, धीरे धीरे तो वो इकट्ठा करते रहते, तो वो उस टाइम तक कि हमें बहन जी के जन्मदिन में कुछ ना कुछ देना है, तो वो रकम मतलब थोड़ी बहुत कम हुई इधर उधर से लेके दे दी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आपने योगदान का पूछा, आज भी बड़े बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर जिनकी सैलरी 2-2, 3-3, 4-4 लाख है, वो आधी सैलरी दे दें, नहीं दे पाएंगे। हाँ, मेरा आप रिकॉर्ड देख लीजिए, मेरी पे स्लिप लगी है 9500 की, और 5000 दिया जो आपने योगदान के पूछे। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है, अच्छा कोई अच्छा इसकी कोई पीड़ा नहीं है, मतलब हमने जिस उद्देश्य के लिए किया वो उद्देश्य हमारा सफल हो रहा है। तो कुछ प्रोफेसर और बड़े अधिकारी माननीय साहब पर आरोप भी लगाते हैं कि उन्होंने तो उस समय चंदा इकट्ठा किया है पेवेक सोसाइटी के नाम पे, है ना, तो वो आरोप लगाते हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि आरोप लगाते हैं, और हालिया में मतलब कुछ प्रोफेसर लोग बड़ा आरोप लगाने लगे हैं, खासतौर से मैं इस पर कहूंगा दिल्ली में बेस प्रोफेसर आरोप लगाते हैं, और वो अपने खुद प्रोग्राम करते हैं चंदों से, और वो कहते हैं मैं बैलगाड़ी थोड़ी यात्रा करूंगा, अपना हवाई जहाज का टिकट मंगाते हैं आने जाने का, 5-स्टार की सुविधाएं भोगते हैं वो प्रोफेसर, और रुकते हैं, तमाम लोगों को ऐसे वो जानता हूं मैं, और उसका कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है। उनका सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम होता है कि बहुजन समाज पार्टी को रोको, बहुजन समाज पार्टी की बुराई करो। तो जैसे कि पहले मैंने बताया बहुजन बामसेप की तमाम ब्रांचें बन गई, तो उनका उद्देश्य है पैसा कमाना। तो जो आरोप लगाते हैं उनसे पूछिए कि आपने इस आंदोलन में सहयोग क्या किया है, तो मालूम पड़ जाएगा। मुख्य सवाल है कि क्या आज भी बहुजन समाज की भलाई के लिए शासकीय कर्मचारी और अधिकारी पे बैक टू सोसाइटी में अपना योगदान दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल दे रहे हैं, जो मतलब यानी शैडो वामसेफ है वो बिल्कुल योगदान दे रही है और निरंतर दे रही है, और यहाँ तक कि हम जैसे तमाम रिटायर्ड कर्मचारी योगदान दे रहे हैं। हालांकि कुछ मतलब कुंठित हो गए हैं, पता नहीं किन वजह से, लेकिन उन्हें कुंठित नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। पे बैक टू सोसाइटी, अब आप कहें किस तरह योगदान दे रहे हैं, तो जैसे जन्मदिन आता है तो हम सहयोग करते हैं, और कोई मौका आता है तो सहयोग करते हैं इस तरह। अच्छा जब वो सस्ता बनती है, सस्ता के नाम से वसूला जाता है पैसा, तब सहयोग करते हैं, तो इस तरह। अच्छा दूसरी चीज, हम मतलब एक चीज और, वो योगदान के अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ रहे हैं। मैं लिख रहा हूँ जो मुझे अनुभव है, और चूंकि बहन जी और साहब का सानिध्य मिला है लंबे समय तक, तो जो अनुभव है और बहुजन संगठक मेरे पास शुरू से आखिर तक हैं, तो उनसे सहारा लेके मैं लिखने लगा हूँ, क्योंकि आज के युवाओं को हमारे बहुजन आंदोलन का बहुत कुछ नहीं मालूम है, और उसका लिखने का परिणाम ये है कि मुझे पूरे देश में भरपूर सम्मान, देश में ही क्या विदेश तक में भरपूर सम्मान मिल रहा है, और जब सम्मान मिल रहा है तो मेरा उत्साह भी बढ़ता है, और मैं समझता हूँ कि ये कड़ी भी जो हम आप बैठे हैं उसी सम्मान की बदौलत है। तो निश्चित ही जो मिशन में काम करेगा, पे बैक टू सोसाइटी करेगा ईमानदारी से, तो उसको निश्चित ही सम्मान मिलेगा, और ये सम्मान की लड़ाई है। तो इसी क्रम में सर मेरा आखिरी सवाल है, पे बैक टू सोसाइटी की मौजूदा समय में क्या और कैसी दिशा होनी चाहिए? मानवर कांसीराम साहब का पे बैक टू सोसाइटी की जो दिशा थी उसमें विचलन पैदा हो रहा है, कि वो कन्फ्यूज है
कि वो मेरा शुभचिंतक कौन है जिसको मैं अब अगर इसकी इसको ध्यान में रखते हुए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का 12 जून 1951 का भाषण लोगों को पढ़ना चाहिए। वो कहते हैं कि आपकी एक पार्टी होना चाहिए, आपका एक नेता होना चाहिए, आपका एक प्रोग्राम होना चाहिए। तो मैं तो ये कहूंगा ये बात समझने की क्षमता जिसमें है वो धार्मिक संगठन है, जैसे धार्मिक संगठन भी वही फॉर्मूला अपनाने लगे। मानवर कांशीराम कहते हैं कि पहले सत्ता फिर बाद में धर्म। इतिहास इस बात का साक्षी है जिसकी सत्ता रही है उसका धर्म पनपा है। ये बाबा मानवर कांशीराम साहब कह गए कि उस समय कहते थे लोग बौद्ध धर्म ये अपनाओ ये, तो बौद्ध धर्म महाराष्ट्र के लोग बहुत बौद्धिस्ट थे लेकिन वो उन्होंने कुछ कर नहीं पाया। लेकिन मानवर कांशीराम साहब ने वहां से सबक लेकर के ये कहा कि बाबा साहब की उन लाइनों को दोहराते हुए मंचों से कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बाई विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉ। मतलब प्रत्येक समस्या का समाधान की मास्टर चाबी सत्ता है। तो ये जो है ना मानवर कांशीराम साहब ने भी दोहराई मास्टर की गुरुकुल्ली। तो अब गुरुकुल्ली के लिए एक पार्टी जो जो व्यक्ति कह रहे थे, तो मानवर कांशीराम की विचारधारा को कौन अंगीकार करती है? वो लोगों की स्वतंत्रता है सोचना चाहिए। राजनीति किसी हम पार्टी का नाम तो ले नहीं सकते, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो है ना जो विचार जिसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की अवधारणा हो, जो कायदे से संविधान क्रियान्वित करने की क्षमता रखता हो वो दल राजनीतिक दल जिसमें अम्बेडकर ही स्प्रिट हो, जिसमें कांशीराम साहब ने उसी स्प्रिट के साथ वैसे अपनी पार्टी संस्थित की थी, तो अब पार्टी संस्थित की कांशीराम साहब के विचारों को अनुकरण कर रहे हो तो आप किसको देंगे, किसको अपना मत देंगे, किसमें सहमति देंगे? लोकतांत्रिक लोकतंत्र में ये विचार की स्वतंत्रता है कि जिस आपकी जो दल अपने आप पे खड़ा उतरता है आपकी बात पर उसको वो जो है ना सुने, उसको टाइम टू एंड ट्रेजी दे बकाया तो तमाम संगठन बन गए, अपनी अपनी बात वही दोहराते हैं। तो आप सीधी सी बात यह है कि लोगों को ये समझ की बात है कि कौन राजनीतिक दल हमारा भला कर रहा है, वो उसकी स्वतंत्रता है, वो उसको आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, काफी अच्छा लगा बात करके।